हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का नौवा दिन है और आज हम लोग आए हैं तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली में हम लोग अभी कावेरी नदी में स्नान किए और इसके बाद यहाँ कई सारे मंदिर है, उनमें से गिने चुने मंदिरों में से एक है रंगनाथ मंदिर, वहीं अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। और ये देखिए, ये हम लोग का बस यहाँ खड़ा है और आज यहाँ पे हम लोग का लंच भी होगा। लंच करने के बाद फिर हम लोग का गाड़ी चलेगा आगे, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये है चोल वंश के समय का मंदिर जो कि काफ़ी अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है। और दोस्तों, दक्षिण भारत में जितने सारे मंदिर है सब ऐसे ही कलाकृति के और ऐसे ही आर्किटेक्चर, ऐसे ही डिजाइन के हैं। सारा मंदिर आप देखे ही होंगे इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो काफ़ी सुंदर आकृति होती है और एक द्वार होता है और बाकी उसके अंदर एक मंदिर, इसी टाइप का हर जगह मंदिर। तो देख सकते हैं ये और एक दरवाजा है, ये भी हम लोग क्रॉस करेंगे। देख सकते हैं ये तीसरा द्वार भी हम लोग पहुंच गए हैं और ये क्रॉस करने के बाद जो मेन मंदिर है उसमें प्रवेश करेंगे। और मेन मंदिर के लिए दोस्तों मोबाइल अलाउ नहीं होगा अंदर जाने का, तो अब अंदर का तो कलाकृति नहीं दिखा पाएंगे। इसके बाद तीसरा द्वार के बाद चौथा, पांचवा, ऐसे करके कई सारे द्वार हैं। मोबाइल अलावा से और ये है चौथा द्वार, इसमें भी हम लोग क्रॉस करेंगे। ऐसे ही कई सारे द्वार हैं जो क्रॉस करके फिर मेन मंदिर को दर्शन के लिए जाना है। ये देखिए ये चौथा द्वार है, पांचवा के बाद ये छठा है और ये छठा द्वार में ये मेन मंदिर का अंदर जाने के लिए। ये देखिए यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है। छः से सात पंद्रह तक दर्शन लास्ट देखो। और ये रहा हमारा अगला ग्रुप, क्या यहाँ से लाइन शुरू हो गया है और पता नहीं कितना अंदर तक है, तो आगे अलाउ शायद नहीं हो सकता है। मोबाइल ऐसे ले जाना मना नहीं है, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी मना है। तो देख सकते हैं ये हमारे दूसरा ग्रुप लाइन में फंस चुके हैं। पिंजरा फेंसे गए ना, ये देखे इधर इतना लाइन है और इधर इतना लाइन है, फिर उसके बाद अंदर जाके भी काफी सारा लाइन था। मेरी गंगा फिर गंगा विसर्जन कर।